हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम डी एस सोटी अगेन हेयर विद यू। आज हम अपने एनटीए नेट के सिलेबस का जो दूसरा यूनिट है उसका पहला चैप्टर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड का। इसमें रिसर्च के जो फंडामेंटल्स हैं उसकी बात हम करेंगे। इसमें सबसे पहले जो फंडामेंटल बात आएगी वो उसके मीनिंग की आएगी कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। एक्चुअली हमें बहुत सी डेफिनेशंस मिलती हैं, आपने भी देखी होंगी बहुत सी डेफिनेशंस। तो रिसर्च का जो मीनिंग दिया होता है, कोई भी डेफिनेशन आप ले लीजिए, उसका जो एक मीनिंग होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन कुछ सोर्सेज में ये देखा गया है, मैंने भी देखा है कि कई बार वो रिसर्च का मीनिंग इस तरह बताते हैं, वो ले लेते हैं इनको दो वर्ड्स, री और सर्च। वो ये कहते हैं कि रिसर्च का मतलब है दोबारा सर्च करना, यानी कि री और सर्च, दोबारा सर्च करना। लेकिन ये बात नहीं है, रिसर्च का ये मतलब नहीं है। ये भी है, मतलब रेप्लिकेबिलिटी होती है रिसर्च में, लेकिन अब दोबारा खोज करना अगर ये बताया जाएगा कि रिसर्च का मीनिंग है, तो ये पूरा मीनिंग नहीं है। अगर पहली बार भी खोज की जाती है तो रिसर्च ही कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात ये, आप कोई भी डेफिनेशन देखें, कुछ भी देखें, यो डेफिनेशन तो बड़े सोर्सेज में अवेलेबल है। रिसर्च का मतलब होता है कुछ खोज करना, शोध कार्य करना। उस पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ पे ऑलरेडी खोज हो चुकी है उस पर दोबारा खोज करें। कई बार पहली बार भी खोज की जाती है, उसे भी रिसर्च ही बोलते हैं। तो रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दोबारा खोज करना या दोबारा इन्वेस्टिगेट करना, उसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। उसमें रेप्लिकेशन भी आती है, यानी कि दोबारा जो सर्च की जाती है वो भी आती है। इसलिए ये माइंड में बिल्कुल बात नहीं रखनी कि रिसर्च का मतलब दोबारा खोज करना है, जो कि कई सोर्सेज ऐसा बताते हैं। तो ये मीनिंग पूरा नहीं है। तो रिसर्च का मतलब है हमें कोई भी नई चीज़ के बारे में जो है खोज करनी है, और खोज किस बेस पर की जाती है वो आगे हम देखते हैं। अब मीनिंग में ये जनरली आपको लिख पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेगा कि एक्चुअली रिसर्च इज एन इंक्वायरी और एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन है। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन है, किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आपको एक वर्ड फिर आएगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की इन्वेस्टिगेशन है। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल नॉर्म, कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसा तथ्य जिस पर अभी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुई, जिसको हमें एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना है, जिसमें हमें जो भी थ्योरी की कोई बात है, जो भी थ्योरी कुछ कहा थ्योरी में, अब वो जो बात कही गई है वो प्रैक्टिकली कितनी वायबल है, या वो जो थ्योरी में बात कही गई है क्या अगर हम उस पर प्रैक्टिकल करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या वही सिद्ध होगा जो थ्योरी में लिखा है, या कुछ और सिद्ध होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये बात कही कि जी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन बहुत से डिफरेंट, आपको पता ही है कि डिजीज़ के लिए डिफरेंट मेडिसिन हैं। लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं। अगर किसी ने ये सपोज ये चेक करना है कि दो तरह की मेडिसिन मार्केट में, एक ही डिजीज़ की दो तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, और किसी ने ये सिद्ध करना, एक मेडिसिन ए है और एक मेडिसिन बी है, अब उसने ये अगर देखना है कि क्या मेडिसिन बी इज़ गिविंग ए बेटर परफॉर्मेंस दैन मेडिसिन ए, तो फिर अगर उस पर रिसर्च करेगा, अभी उसका ये उसका हाइपोथेसिस बन गया, ये उसका एक हाइपोथेसिस बन गया, थ्योरी बन गई, उसने ये चेक करना है, या उसने ये धारणा उसके माइंड में है कि बेटा जो मेडिसिन बी है वो ए से बेटर है, ए भी मार्केट में अवेलेबल है, बी भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उसने इस हाइपोथेसिस को लेके अपनी सर्च शुरू की। सर्च के एंड में बेसिक मोटिव जो रिसर्च का होता है वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हाइपोथेसिस क्या है, आगे बताएंगे कि जब हाइपोथेसिस टेस्ट होगा तो रिसर्च किस तरह चलती है। तो अभी हमारा हाइपोथेसिस ये है कि एक रिसर्च स्कॉलर ने ये थ्योरी ली है कि मेडिसिन बी जो है, या उसने कहीं पढ़ा
या उसको कोई थ्योरी मिली कि मेडिसिन बी जो है वो मेडिसिन ए से बेटर है सेम डिजीज़ के लिए। तो ये तो इसके मीनिंग की हाइपोथेसिस की बात की हमने, जो हाइपोथेसिस होता है। अब हाइपोथेसिस और अजम्पशन में बहुत थोड़ा अंतर होता है। हाइपोथेसिस इज दैट अजम्पशन ऑन विच वी कैन मेक एक्सपेरिमेंट, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी अजम्पशन ही है। हाइपोथेसिस जो है वो भी एक ड्रॉन अजम्पशन है, लेकिन उस पर स्कोप होता है एक्सपेरिमेंटेशन का, रिसर्च करने का, जबकि अजम्पशन जो होती हैं उन पर स्कोप नहीं होता एक्सपेरिमेंट करने का। तो बहुत बेसिक, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। तो जो भी अजम्पशन जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं तो दैट इज हाइपोथेसिस। अब इसके बाद जब बात करते हैं कि एक हाइपोथेसिस लेके उस पर रिसर्च की जाती है, ये तो उसका मीनिंग है। अब जो रिसर्च है उसको आप इंक्वायरी कह लो, इन्वेस्टिगेशन कह लो, कुछ भी और नाम दे दो, लेकिन वो रिसर्च का मतलब यही होगा कि हमें ये बात को खोज करना है, इस तथ्य का हमें सच जानना है कि वाकई ये तथ्य सच है या नहीं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रिसर्च के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, रिसर्च में आता क्या क्या है। सबसे पहले जैसे हमने बात की अभी कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके बिना रिसर्च हो ही नहीं सकती, दैट इज हाइपोथेसिस। तो अभी हमने बात की थी हाइपोथेसिस, अभी आपको बताया एग्जांपल में कि ये हाइपोथेसिस है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस थ्रू आउट चलता है, यहाँ चलेगा कि मेडिसिन बी जो है वो सेम डिजीज के लिए है, वो मेडिसिन ए से बेटर है। तो अब वो रिसर्च करेगा, वो हाइपोथेसिस उसके पास आ गया, तो दैट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो रिसर्च में होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। अब रिसर्च क्यों कर रहा है वो, रिसर्च के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे उसको, कि मैं रिसर्च के लिए वो देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के लिए किस तरह वो लाभदायक होगी, सोसाइटी के लोग उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, या किसी सोसाइटी के लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव रखता है वो रिसर्च स्कॉलर जो है, ऑब्जेक्टिव रखता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके बाद तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट या उससे नेक्स्ट जो इसका ऐसा ही इम्पोर्टेंस जो है आपका दिस कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है डाटाबेस। अब वो रिसर्च करनी है उसने तो डाटा कलेक्ट करेगा। अब डाटा कलेक्ट करने का मतलब ये है कि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। बेसिकली आपको बता दूं कि सबसे पहले डाटा का सोर्स देखा जाता है कि डाटा की नेचर और डाटा का सोर्स क्या है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हो। अगर तो आप माइक्रो लेवल पे रिसर्च कर रहे हो, कि माइक्रो लेवल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिटी एक्स है, अब वो जो बंदा देख रहा है कि जो मेडिसिन बी का मेडिसिन ए के मुकाबले में फ़ायदेमंद है कि नहीं, वो कहता जी मैं सिर्फ सिटी एक्स में देखूँगा, ठीक है। तो सिटी एक्स में कुछ लोगों से वो इंटरव्यू करेगा, जो लोग वो दोनों दवाइयाँ खाते हैं, या जो एक ही खाता है या दूसरे ने दोनों खाई हैं कि नहीं, फिर उनसे वो इंटरव्यू करेगा। तो जब डायरेक्टली किसी से इंटरव्यू की जाती है तो ये सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। लेकिन अगर रिसर्च मैक्रो लेवल की है कि उसने ये देखना है कि इंडिया लेवल पे क्या पोजीशन है, इंडिया लेवल पे पोजीशन देखने के लिए वो सबके पास डोर टू डोर नहीं जा सकता, फिर वो ऑलरेडी जो प्राइमरी डाटा कलेक्टेड है या थ्योरी जिसके जो थ्योरी है उसके बारे में, ए बी के बारे में या ए के बारे में मेडिसिन के बारे में, फिर वो थ्योरी कंसल्ट करके फिर वो एक नेशनल लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे रिसर्च जो है करता है, स्टडी डाटा इकट्ठा करता है। तो उसके सोर्स है लाइब्रेरी में जाएगा या किसी कंपनी के ऑफिस में जाएगा या मतलब वो डायरेक्टली लोगों के पास भी जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये नेचर ऑफ डाटा भी है। तो इसलिए वो जब डाटा बेस यही है कि डाटा कलेक्ट वो कैसे करेगा। इसके बाद है मेथडोलॉजी। अब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती। मेथडोलॉजी का मतलब है कि जब उसने डाटा कलेक्ट किया, फिर डाटा को एनालिसिस करेगा, उस डाटा को उसने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे कि उसने क्या कैलकुलेट करना है, किस वेरिएबल को कैलकुलेट करना है, किस नोशन पे पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंगली वो मेथडोलॉजी को यूज़ करेगा।
मेथडोलॉजी जो है, डिफरेंट तरह की मेथडोलॉजी अवेलेबल है रिसर्च के अकॉर्डिंगली, वो जो सूटेबल मेथडोलॉजी होती है वो रिसर्च स्कॉलर जो है उससे रिसर्च कंडक्ट करता है। मेथडोलॉजी के बाद जब उसने एनालिसिस कर लिया, फिर आती है फाइंडिंग्स। अब वो फाइंड करेगा कि ये जो वाकई ही उसने जो ये मतलब उसका जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट होगा यहाँ, कि जो उसने ये सोचा था कि या तो ये आएगा कि जो बेटा जो सॉरी मेडिसिन बी है वो ए के मुकाबले में बेटर है, या आएगा बेटर नहीं है, उस जैसी ही है जैसी ए है। अगर तो उस जैसा ही आया तो वो भी एक हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया, और अगर वो कहता है कि बेटर है उससे, उसका ये तथ्य सच हो जाता है, तो वो भी एक रिसर्च का कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, चाहे किसी भी तरह की रिसर्च हो, उसमें हाइपोथेसिस के बिना रिसर्च शुरू हो ही नहीं सकती। अब ये हाइपोथेसिस सेम रहता है या डिफरेंट होता है, इसके भी टेक्निकली नाम है, हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं अगर सेम रहता है, अगर डिफरेंट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि उनका मतलब बेसिकली क्या होता है और विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो फिर वो फाइंडिंग्स में बताएगा कि मेरे हाइपोथेसिस का टेस्ट का रिजल्ट क्या है, उसके बेसिस पे फिर वो सजेशंस भी देता है, कंक्लूजन करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स। अब रिसर्च स्कॉलर अकेला नहीं होता जब भी रिसर्च करता है, ये आप मत समझिए कि वो अकेला ही होता है। सिर्फ आप में से बहुतों ने रिसर्च की भी होगी, कोई एमफिल के लिए या कोई पीएचडी के लिए कर रहे होंगे, तो रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये टीम वर्क है। अब सबसे पहले देखिए, रिसर्च स्कॉलर इज द मेन एक्टर हु प्लेज इन दिस टोटल प्रोसेस। जो रिसर्च का प्रोसेस है उसमें जो मेन लीड है, हीरो है जो मेन, वो जो है रिसर्च स्कॉलर है। उसके बाद उससे भी कुछ समझ लो इम्पॉर्टेंट या करेक्टर, जैसे एक्टर होते हैं फिल्म में, इसी तरह इस सीन में जो करेक्टर एक्टर का काम करता है वो गाइड करता है। तो रिसर्च स्कॉलर हो गया, एक गाइड हो गया। अब गाइड इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड जिसमें वो रिसर्च कर रहा है, और उसने आगे भी बहुत से रिसर्च वर्क उसके क्रेडिट में है, मतलब ही हैज मेनी रिसर्च वर्क टू हिज क्रेडिट, तो इसलिए वो एक्सपर्ट होता है। तो वो सब कुछ गाइड उसको समझाता है कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, किस तरह का डाटा आपने कलेक्ट करना है, मेथडोलॉजी कौन सी लगाओगे आप, उसके बाद एनालिसिस कैसे करोगे, या किस सोर्स से डाटा कलेक्ट करना है, अगर सेकेंडरी सोर्स है तो किस किस इंस्टीट्यूशन से जाके डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उसका वो रिव्यू करता है टाइम टू टाइम कि जो उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वेदर ही इज गोइंग ऑन द ट्रैक, कि वो ट्रैक से इधर उधर तो नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर वो क्या करता है, वो उसको टाइम टू टाइम गाइड करता है। गाइड के बिना रिसर्च स्कॉलर जो है वो एक तरह से क्रिपल्ड है, तो गाइड ही उसकी रिसर्च को कंप्लीट करता है। अब गाइड के अलावा भी और पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, अलाइड हेल्पर्स। अब ये अलाइड हेल्पर्स क्या होते हैं, अलाइड हेल्पर्स का मतलब है गाइड के अलावा भी और बहुत से लोग हैं जो उस रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स, जो सीनियर रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो हेल्प करते हैं रिसर्च स्कॉलर की, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा जो सीनियर टीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो अगर वो नेचुरल साइंस पे रिसर्च कर रहा है या लैब बेस्ड रिसर्च है उसकी, तो लैब में जो असिस्टेंट होगा या लैब में जो उसको असिस्ट करेगा वो उसका एक अलाइड हेल्पर बनेगा। इसके बाद रिसर्च स्कॉलर को लाइब्रेरियन हेल्प करता है, और सबसे बड़ा जो अलाइड हेल्पर है रिसर्च स्कॉलर का वो है फैमिली ऑफ द रिसर्च स्कॉलर। अगर फैमिली हेल्प नहीं करेगी तो वो रिसर्च पूरी नहीं कर सकेगा। तो ये अलाइड हेल्पर्स हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर को हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अभी हमने मोर और लेस ऑब्जेक्टिव में देख ही लिया कि रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है। इसके बाद उसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि कंप्लीटली एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी तो रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा कुछ गेन करना होता है उसने नई कॉन्सेप्ट को,
अब जब वो रिसर्च करेगा उसको ये नया कॉन्सेप्ट मिला कि मेडिसिन बी इज़ बेटर देन मेडिसिन ए फॉर ए सेम डिजीज, तो लेट मी सी वेदर दिस इज वायबल और नॉट, ये ट्रू है कि नहीं। तो इसलिए एक नए प्रोसेस को नॉलेज गेन करता है, उसको नॉलेज मिलती है। इसके अलावा कई बार हमारे नेचर ने इतने हमें फिनोमिना दिए हैं जो कि अकर और री अकर करते रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट बीट है, आई विंकिंग है, चेंज ऑफ सीजन्स है, या डे एंड नाइट फॉर्मेशन है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये भी एक चीज़ को देखने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में मेन ऑब्जेक्टिव आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो इसके अलावा बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए, इसके बाद मोटिवेशन की बात आती है। अब देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कोई काम अपने आप करते हैं, हमारा खुद का दिल करता है वो काम करने को, तो इसका मतलब है कि वी आर फैसिनेटेड बाय दैट वर्क फैसिनेट्स अस, वो हमें मोटिवेट करता है कि हाँ ये काम मैं करूं। इसीलिए देखिए आप, आज हमारे सोसाइटी में हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बनता, हर कोई टीचर नहीं बनता। जो डॉक्टर बनते हैं वो क्यों बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैंकर बने, तो अलग अलग, ये इसका मतलब है कि दे वॉलंटरली ट्राइड फॉर इट एंड दैट वॉलंटरी द फोर्स बिहाइंड दैट वॉलंटरी एफर्ट इज मोटिवेशन, वो फैसिनेशन है। इसी तरह जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट हैं, उनको रिसर्च फैसिनेट करती है कि इसको रिसर्च करना चाहिए, क्यूरियस होते हैं हम। इसलिए एक तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का ये पॉइंट है कि रिसर्च जो है वो मोटिवेशन जो करता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब बंदा एक रिसर्च करना चाहता है, उसको ये पता है कि रिसर्च के बाद डिग्री मिलती है, सोशल स्टेटस बड़ा अच्छा होता है, और भी काफ़ी मौके मिलते हैं सोसाइटी में सर्वाइव करने के, उसके बड़े बेनिफिट हैं। तो एक तो मेरा बेनिफिट भी है और सोसाइटी का बेनिफिट भी है, तो इसलिए वो रिसर्च करने का एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं थ्रू रिसर्च, रिसर्च के बिना सोशल सर्विस कई बार नहीं होती। अब जितने भी रिसर्च वर्क हुए हैं उसमें सोसाइटी के लिए या समाज के लिए बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ों का आविष्कार हुआ, इनोवेशंस हुई, या लोगों ने नए नए प्रिंसिपल बनाए, फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया, और समाज के बहुत से जो एब्यूज़ हैं वो दूर हुए। तो इसलिए जो लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट इज आल्सो ए सोशल सर्विस सर्वेंट, सॉरी साइंटिस्ट इज आल्सो ए सोशल सर्वेंट एंड ही इज द बेस्ट पॉसिबल सोशल सर्वेंट। तो अपनी खोज से वो सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट मोटिवेशन का पॉइंट है कि कोई भी, जब आप खुद कोई चीज क्रिएट करते हैं, रिसर्च वर्क इज एन ओरिजिनल वर्क, आपको पता है कि रिसर्च जो है वो ओरिजिनली जो वर्क होता है, ओरिजिनल वर्क होता है उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप रिसर्च करोगे, थीसिस बनाओगे, थीसिस बना के उसमें जब ये लिखोगे कि सबमिटेड बाय या क्रिएटेड बाय, तो जब अपना नाम लिखते हो तो इतनी खुशी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो है, तो वो एक खुशी का जो एक फीलिंग होती है वो कोई और नहीं समझ सकता, वो सिर्फ एक रिसर्च स्कॉलर ही समझ सकता है। तो ये भी एक मोटिवेटिंग पॉइंट होता है कि कुछ बंदा कुछ क्रिएट करना चाहता है और अगर उसकी क्रिएशन रिकॉग्नाइज होती है, जब वो अपना नाम लिखता है उस पर, जब लिखता है कि ये मैंने किया है, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है कि वन विल गो इन एयर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घमंड वाली बात नहीं है, खुशी होती है उसको, तो इंटेलेक्चुअल जो है बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसके अलावा एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कुछ नया देखूं, मैं कुछ नया करूं, ये कुछ लोगों में होता है, उन्हीं में होता है जो रिसर्च स्कॉलर बनते हैं। तो ये मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं। अब फंडामेंटल ऑफ रिसर्च में आगे जो आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, के रिसर्च के करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखिए रिसर्च का पहला करैक्टरिस्टिक अभी हमने बात कर ली है कि ओरिजिनल होना चाहिए, रिसर्च वर्क जो है वो हमेशा ओरिजिनल होता है, वो किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। हाँ अगर रेप्लिकेशन भी होती है, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई रिसर्च वर्क हो चुका है
और कोई बंदा फिर उसी पर रिसर्च करना चाहता है तो सिर्फ उन पॉइंट्स पे रिसर्च किया जाएगा या उन क्वेश्चंस पे रिसर्च किया जाएगा विच रिमेन्ड अनआंसर्ड इन द प्रीवियस रिसर्च। पिछली रिसर्च में वो जो क्वेश्चन थे उनका आंसर नहीं मिला या नए क्वेश्चन क्रिएट हो गए या कुछ नए एंगल के साथ उसने क्रिएट रिसर्च करनी है, चाहे रेप्लिकेशन है रेपिटेशन है लेकिन एक नए एंगल के साथ। इसलिए ओरिजिनलिटी रिसर्च वर्क में हमेशा ही रहेगी, चाहे वो रिपीटेड रिसर्च हो या ओरिजिनल। इसके बाद बात आती है एनालिटिक। जैसे हमने बात की कि मेथडोलॉजी के थ्रू एनालिसिस किया जाता है डाटा का, तो रिसर्च एनालिटिक होती है। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको रख लिया, उसका एनालाइज करना पड़ेगा और वो जो एनालिसिस के बाद फाइंडिंग्स आएगी वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आएंगी जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद है सिस्टमेटिक होती है रिसर्च। रिसर्च के अपने स्टेप्स होते हैं, हैपेजर्ड नहीं होती रिसर्च। अब जैसे ये है कि कोई ये नहीं कह सकता बंदा कि हाइपोथेसिस के चूज किए बिना ही मैं डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दूं या डाटा इकट्ठा शुरू करने के बिना ही मैं एनालिसिस कर दूं या मैं अपनी फाइंडिंग्स दे दूं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे से चलती है, उसके स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। वो क्या स्टेप्स है वो हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च का चैप्टर देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि एक्यूरेट होती है रिसर्च। एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि रिसर्च को एक्यूरेट किया जाए, उसमें कोई किसी तरह की जो एम्बिग्विटी ना रहे, क्लियर होनी चाहिए रिसर्च और पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके बाद लॉजिक बेस्ड है। अब कुछ डिडक्टिव मैथड्स ऑफ रिसर्च आएंगे, कुछ डिडक्टिव मैथड्स ऑफ रिसर्च है और यार अदरवाइज रिसर्च जो है कई बार उसके जो फाइंडिंग्स है उसको जनरलाइज किया जाता है, एक पर्टिकुलर केस को लेके जनरलाइज किया जाता है। तो ये लॉजिक का थ्योरी है, जनरलाइजेशन देन पर्टिकुलराइजेशन, तो ये रिसर्च में किया जाता है, इसलिए लॉजिक बेस्ड है रिसर्च। साइक्लिक, साइक्लिक इस तरह है जब रेप्लिकेशन होती है, एक बंदे ने रिसर्च की, उसने देखा कि ये वाले फाइंडिंग उसने दे दिए, अब उसने पहले रिसर्च वर्क में पूरे मेथड्स लगाए, स्टेप फॉलो किए, उसके बाद उसने देखा कि यहाँ कंक्लूजन निकाल दी। अब कंक्लूजन के बाद फिर रिसर्च का स्कोप रहता है, यानी कि रिसर्च का स्कोप उसमें नहीं रहेगा, इसलिए रेप्लिकेबल रिसर्च की जाती है। तो एक तरह से ये साइक्लिक रिसर्च है, रिसर्च की साइक्लिक है। फिर ये बहुत से प्रिंसिपल्स की नॉलेज का फंडामेंटल बनती है रिसर्च। जब कोई भी रिसर्च स्कॉलर किसी दूसरे को प्रिंसिपल सॉरी सोसाइटी को ये कंक्लूड करेगा कि दिस इज द यू कैन से रिजल्ट ऑफ माय रिसर्च या दिस इज द यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माय रिसर्च, तो फिर वो एक नॉलेज का फाउंडेशन बन जाता है। आगे आने वाले रिसर्च स्कॉलर उस नॉलेज को हासिल करके आगे रिसर्च करते हैं। रिसर्च अब हम बात करेंगे जब रिसर्च की टाइप्स की, उसमें कुछ रिसर्च होती है नेचुरल साइंसेस की या अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो उस रिसर्च को कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है लैब में। उसमें कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट रख के, कुछ को वेरिएबल को वेरी करके कोई मेथड लगा के रिसर्च की जाती है। तो कंट्रोल्ड रिसर्च, एक कंट्रोल्ड कंडीशन इन द लैब, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। बिकॉज ज़्यादातर रिसर्चेज जो हैं नेचुरल साइंसेज की या और सोशल साइंसेज भी कुछ लैब में जो होती हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन एनोमलस, यानी कि रिसर्च इस तरह की जाती है कि वो कंट्रोवर्शियल ना बने, मतलब ये ना हो कि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए या कोई कमी रह जाए उसमें, कोई कमी या कोई अनोमली नहीं रहती रिसर्च में, तो रिसर्च हमेशा नॉन एनोमलस होगी। इसके बाद एम्पीरिकल। एम्पीरिकल का मतलब है कि रिसर्च को साइंटिफिक और टेक्निकल मैथड्स लगा के रिसर्च की गई, ये मतलब जो भी हमारे प्रैक्टिकल जो हमारा आस्पेक्ट आएगा उसको बकायदा प्रिंसिपल के थ्रू किया गया है, इस तरह नहीं किया गया, तो इसलिए ये एम्पीरिकल है, वैलिड एंड वेरीफाइबल। अगर रिसर्च अच्छी तरह की गई है तो वो वैलिडिटी उसकी इस्टेब्लिश हो जाती है और उसको जो मर्जी कोई वेरीफाई कर सकता है, रिसर्च को हर कोई वेरीफाई कर सकता है क्योंकि रिसर्च बिल्कुल नॉन एनोमलस है, एम्पीरिकल है और ओरिजिनल है और एक्यूरेट है। इसके बाद है रेप्लिकेबल, इसकी बात हम कर चुके हैं कि रेप्लिकेबल का मतलब है कि रिसर्च को रिपीट किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च हुई है उसी टॉपिक को आगे लेकर नए एंगल से उसको रिपीट कर सकते हैं। रेपिटेशन इज नेवर ए कॉपी ऑफ द रिसर्च, इट इज नॉट लाइक दैट कि उसको उसी तरह से दोबारा
वो जो रिसर्च कर दी जाएगी। नो, रेप्लिकेशन का मतलब है हाँ उसी टॉपिक पे कर सकते हैं लेकिन एक नए एंगल के साथ, नए ऑब्जेक्टिव के साथ। उसके बाद रिगरस होती है रिसर्च वर्क जो किसी भी लेवल का हो। कई साइंटिस्ट तो कितने कितने साल लगे रहते हैं, PhD 3-4 साल लग जाते हैं, MPhil 2 साल लग जाते हैं। तो ये, लेकिन ये मतलब नहीं है कि स्टैट्यूटरी टाइम है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च में। डाटा कलेक्ट करना है, हाइपोथेसिस को पहले वायरेबल बनाना है, हाइपोथेसिस पहले चूज करना है, फिर गाइड की गाइडेंस चलती रहती है साथ साथ, और उसके बाद वो डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना हो या सेकेंडरी करना हो, मेहनत उसमें होती है। फिर मेथडोलॉजी लगानी है, अगर मेथडोलॉजी गलत आ गई तो रिजल्ट गलत आ जाएंगे, वो भी देखना होता है, एक्यूरेसी भी देखनी होती है, और उसको वायबल बनाना होता है एक सोसाइटी के वास्ते, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो ये रिसर्च के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ तक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।